आज के इस नीटिंग के ट्यूटोरियल में आपके लिए सुंदर सा लेडीज़ का श्रग लेके आई हूँ। ये श्रग जो है फ्री साइज़ का है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आपको मैं बता दूँ, इस श्रग को बनाने के लिए फ्रंट साइड में हमने एक पार्ट में 75 स्टिच और सेकंड पार्ट में 75 स्टिच डाले हैं, साथ ही बैक पार्ट में हमने 130 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो जो 75 स्टिचेस हैं उन्हें किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, 5 स्टिच जो है हमारे वो यहाँ पे बटन पट्टी के जाएंगे, बाद में हमारे यहाँ पे 1-1 जो है एक स्टिच जाएगा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए, और बाकी हमारा डिज़ाइन जो है 68 स्टिचेस में डला हुआ है, जिसमें हमारा एक बटन जो है 17 स्टिचेस में डला हुआ है। तो इसी तरीके से हमने ये सुंदर सा लेडीज़ का फ्री साइज़ का कार्डिगन बना के तैयार किया हुआ है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस डिज़ाइन का सैम्पल मैं आपको बना के बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे टोटल 37 स्टिचेस डाले हुए हैं सैंपल में, जिसमें हमारा यहाँ पे 1-1 एज स्टिच जाएगा और डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए एक स्टिच जाएगा, और हमारा डिज़ाइन यहाँ पे हमने दो पैटर्न के लिए डाला है 17+17, यानी कि जो हमारे 17+17 है वो हमारे 34 स्टिचेस हो गए। उसके बाद 1-1 एज स्टिच 36 और एक स्टिच डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए, तो टोटल 37 स्टिचेस हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो है डिज़ाइन की, यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट रो में एज स्टिच को हम ऐसे उतार देंगे। इसके बाद एज स्टिच उतारने के बाद ये वाला स्टिच हम इस तरीके से बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे जाली डाल देंगे और एक फंदा सीधा, यहाँ से हमारा पैटर्न जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दो फंदे उल्टे, एक और ये हमारा दो, फिर एक फंदा सीधा, ये हमारे चार फंदे हो गए, फिर दो फंदे उल्टे, ये छः फंदे हो गए, एक फंदा सीधा 7, दो फंदे उल्टे ये 9 हो गए, एक फंदा सीधा 10, दो फंदे उल्टे 12, एक फंदा सीधा 13, इसके बाद दो फंदे उल्टे ये हमारे 15, इसके बाद एक फंदा सीधा ये हमारे 16 फंदे हो गए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाली डाल देंगे और ये 17वां फंदा सीधा बना देंगे। तो आपने यहाँ पे देखा, इस तरीके से हमने इन 17 फंदों को एडजस्ट किया है। यही पैटर्न जो है हमारे श्रग में डला हुआ है, जिसमें देखिएगा ये तो पहला एज स्टिच है, नेक्स्ट वाला हमने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए रखा है और ये जाली डाल दी। यहाँ से हमारे फंदे स्टार्ट हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जाली डाल दी, इसे आप काउंट मत कीजिएगा, और ये 17। तो दोबारा से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसमें जाली डाल के एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, ये हमारे चार फंदे हो गए, दो फंदे उल्टे ये छः फंदे हो गए, एक फंदा सीधा 7, दो फंदे उल्टे 9, एक फंदा सीधा ये 10, दो फंदे उल्टे ये 12, एक फंदा सीधा ये 13, दो फंदे उल्टे ये हमारे 15, और एक फंदा सीधा ये हमारे 16। तो जाली डाल देंगे और 17वां फंदा सीधे बना देंगे और यहाँ पे एज स्टिच को सीधे बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन की जो रो फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो रो फर्स्ट इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। टर्न हो जाएंगे रॉन्ग साइड, रो सेकेंड में जाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम देखिएगा, यहाँ पे एज स्टिच उतार दिया हमने, इसके बाद ये वाला फंदा जिस पे हमने जाली डाली थी इसे उल्टा बना देंगे, जाली वाले फंदे को भी उल्टा बना देंगे, ये वाला फंदा जो हमारा देखिएगा ये हमारा राइट साइड से सीधा है तो इसे उल्टा बना देंगे धागा पीछे की ओर, ये दो जो हमने राइट साइड से उल्टे बनाए हैं इन्हें हमने सीधा बनाना है इस तरीके से, फिर एक फंदा उल्टा, दो फंदे
सीधे, फिर से एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, यानी कि रॉन्ग साइड आपने क्या करना है, जो फंदा आपको जैसे दिख रहा है उसे वैसे ही बना देंगे, और जो जाली हमने डाली होगी रॉन्ग साइड से उस फंदे को हमने उल्टा बना देना है। तो इस तरीके से रो सेकंड आप कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पे रो सेकंड हमने कंप्लीट कर दी है, रो थर्ड राइट साइड पे आए हैं। तो पहले तो हम अपना एच स्टिच उतार देंगे इस तरीके से, इसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बनाना है इस तरीके से, जो हमने लास्ट टाइम जाली डाली थी उसे भी इस तरफ हम सीधा बना देंगे। अब अपना 17 स्टिचेस का पैटर्न डालेंगे, जिसमें एक फंदा हमारा सीधा है, फिर दो उल्टे, फिर एक सीधा, फिर दो उल्टे, फिर एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, और यहाँ पे एक सीधा। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पे जाली डाल देंगे और एक दो तीन फंदे हम सीधे बना देंगे, फिर यहाँ पे जाली डाल देंगे, दोबारा से पैटर्न अपना स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, 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 एक फंदा सीधा, दो उल्टे, और लास्ट में एक फंदा हमारा यहाँ पे सीधा जाएगा। जाली डाल देंगे और यहाँ पे दो फंदे सीधे और एज वाला सीधा बना के इस रो को कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा, रो फोर रॉन्ग साइड में आए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एज स्टिच उतार देंगे, इसके नेक्स्ट वाले जहाँ पे हम जालियाँ डाल रहे हैं, एक, ये हमारा दो, फिर तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बना दिए। अब यहाँ से जो पैटर्न है जिसमें हमारा एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, फिर एक उल्टा दो सीधे, इसके बाद एक हमारा उल्टा जाएगा। इसके बाद जो हमने जाली डाली हुई है, ये सारे फंदे हमने एक दो तीन चार और पांच फंदे हमने उल्टे बना देने हैं। आगे का पैटर्न वैसे ही जाएगा, जो फंदा जैसे दिख रहा है उसे वैसे बना के रो फोर्थ रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर दी। देखिएगा, हमारी रो फोर्थ कंप्लीट हो चुकी है, रो हम फिफ्थ यहाँ पे राइट साइड में आए हैं, एज स्टिच उतार देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वन टू, ये जाली डाली थी, थ्री स्टिच हमने सीधे बना दिए, दोबारा से जाली डालेंगे, फिर सेम वही रो फिफ्थ में हम करेंगे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, दो उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, दो उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, इसके बाद हम यहाँ पे जाली डाल देंगे और एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे बना देंगे, जाली डाल देंगे, दोबारा से पैटर्न को रिपीट करेंगे, सेम वही एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे,
फिर से एक फंदा सीधा, दो उल्टे और ये लास्ट में एक सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे और लास्ट में एज वाला हम सीधा बना देंगे। रॉन्ग साइड की रो जो फंदा जैसा दिख रहा है, रो सिक्स है हमारी, उसे वैसा बना देंगे। जो जाली वाले फंदे हैं इन्हें हमने उल्टा बना देना है। तो रॉन्ग साइड की रो सिक्स आप कंप्लीट कर दीजिएगा। अब हम रो सेवन्थ पे आ चुके हैं। रॉन्ग साइड की रो जो फंदा जैसा था उसे वैसा बना के कंप्लीट कर दिया हमने। इसमें क्या करेंगे, एज स्टिच उतार देंगे। इसके बाद एक दो तीन और चार फंदे हम सीधे बना देंगे, जाली डाल देंगे, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे 17 स्टिच को। एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, फिर एक सीधा, दो उल्टे, फिर एक सीधा, दो उल्टे, यहाँ पे एक सीधा। तो ये 16 फंदों का जो है पैटर्न डल चुका है। एक फंदा हमारा यहाँ पे है जो 17 स्टिच वाला है। अब यहाँ पे धागा अपनी ओर करके जाली डाल देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे हमने सीधे बनाए, जाली डाल देंगे, फिर सेम यही पैटर्न हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे और इस रो को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो हमारी रो आएगी, रो एट, जो फंदा जैसा होगा रॉन्ग साइड से उसे वैसा बना के कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से हमने रो एट भी बैक साइड से कंप्लीट कर दी है। अब हम रो अपनी नाइन्थ पे आ चुके हैं जिसमें एज स्टिच उतार देंगे। इसके बाद हम वन टू थ्री फोर फाइव स्टिचेस यहाँ पे सीधे बना देंगे, इस तरीके से जाली डाल देंगे। दोबारा से पैटर्न वही रिपीट करेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा, दो उल्टे, फिर से एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, दो उल्टे और एक फंदा सीधा। ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न डाल चुका है। 17वां फंदा हमारा इसके बीच में है, जाली डाल देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे हमने इस तरीके से बना दिए सीधे जाली डाल के। दोबारा से सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे जिसमें 16 फंदों में हमारा एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर से एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे और ये लास्ट में एक सीधा जाएगा, जाली डाल देंगे। इसके बाद एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे और एज वाला हमारा सीधा जाएगा। अब रॉन्ग साइड की रो हमारी यहाँ पे 10th है जिसमें हमारा जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा बनाएंगे, जो जाली डाली है उसे हमने उल्टा बना के कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे हम अपनी रो 11th में आ चुके हैं। इस रो पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाकी रोज तो हमारी सिमिलर ही थी। अब यहाँ पे इस रो में थोड़ा चेंज आएगा डिज़ाइन में, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला फंदा आप उतार लीजिए एज वाला, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच और छः फंदे आपने सीधे बना लिए, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर देखिएगा क्या करेंगे। इस तरीके से इसे टर्न करेंगे और ये दो उल्टे फंदे ले लेंगे सीधे फंदे के साथ, इस तरीके से इन तीन का एक कर देंगे। सेम इसे इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पे इन तीन का भी एक कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसे ऐसे टर्न करेंगे और इन तीन का
एक कर देंगे। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, इसे टर्न करेंगे इस तरीके से, फिर ये दो उल्टे फंदे ले लेंगे, देखिएगा इस तरीके से, और ये जो सीधा वाला फंदा है इसे भी आप ले लेंगे। इस तरीके से हमने ये चार फंदे डाले, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, और इन चार का एक कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से देखिएगा इस तरीके से फ्रंट से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्हें पहले थोड़ा सा ढीला कर लीजिए अगर आपको टाइट लग रहे हैं, इसके बाद ही आप फ्रंट से इस तरीके से इन तीन का एक कर देंगे, एक जो आपका है सीधा और दो उल्टे। तो इस तरीके से आपका कुछ पैटर्न दिखेगा। फिर यहाँ पर रिपीट करेंगे पैटर्न को, जाली डाल के आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पे नौ, दस, ग्यारह फंदे सीधे बना लिए। अगेन सेम रिपीट करेंगे, जाली डाल देंगे, ये वाला फंदा इस तरीके से टर्न करके एक सीधा, दो उल्टे, इन तीन का एक कर देंगे। फिर इसे भी टर्न करेंगे इस तरीके से, इन तीन का एक कर देंगे। इसके बाद इसे भी टर्न करेंगे और इस तरीके से इन तीन का एक करेंगे। अब यहाँ पे इसे टर्न करेंगे, दो उल्टे ले लेंगे और साथ में एक सीधा भी लेंगे, यानी कि चार फंदों का एक करेंगे, जिसमें एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा है। और यहाँ पे लास्ट में इन तीनों को ऐसे थोड़ा सा ढीला करके फ्रंट साइड से इस तरीके से तीन का एक करेंगे, ये देखिएगा तीन का एक हमने कर लिया। इस तरीके का लुक बना है अभी डिज़ाइन का हमारे, जाली डाल के इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः फंदे सीधे एज वाला सीधा बना देंगे। तो रो 11 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमारे डिज़ाइन का कुछ इस तरीके का लुक आया। हमारी डिज़ाइन की लास्ट रो है, ये रो 12 है। तो देखिएगा ये रॉन्ग साइड में आपको ध्यान देना है, इस रो में भी क्या करना है, पहले तो आप एज स्टिच उतार लीजिए, इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात फंदे अपने उल्टे बनाएंगे, इसके बाद एक और दो, यानी कि आपने नौ फंदे उल्टे बना दिए एज स्टिच को छोड़ के, आगे आपने सात ये और दो ये उल्टे बनाए। अब इस वाले फंदे पे हमने बबल बना लेना है, इस तरीके से क्रोशिया ले लेंगे, देखिएगा इस तरीके से क्रोशिया लेने के बाद धागा अपना आगे की ओर करके इस तरीके से जितने भी साइज़ का आपने बबल बनाना होगा वैसे बना लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्टिच में डाला, ऐसे धागा लिया एक, धागा लपेटा दो, फिर इसमें डाला तीन, ये देखिएगा ये तीन, फिर ये चार, पाँच, छः और ये हमारा लास्ट में सात। हमने सात बार लिया है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप नौ बार भी इसमें ले सकते हैं। इस तरीके से लिया, देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद ऐसे निकाला, इसे एक और बार इस तरीके से किया, इस स्टिच को गिरा दिया इस पे से, फिर सिलाई पे लिया, ये देखिएगा इधर पे इस तरीके से सिलाई पे लिया। अब ये जो हमने सिलाई पे लेने के बाद ये जो हमने दो फंदे उल्टे बनाए थे इसमें से एक फंदा ले लेंगे इस तरीके से वापस सिलाई पे, और ये जो बबल बनाया हमने अभी अभी यहाँ पे, इसे इसके ऊपर से इस तरीके से गिरा देंगे और इसे ऐसे निकाल देंगे, इसे खींच देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा बबल बन के तैयार हो गया,
ये देखिएगा ये बबल हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक और फंदा साथ में डिक्रीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो फंदे इसके उल्टे बना देंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है यहाँ पर डल चुका है। अब इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह ये फंदे और दो इसमें से एक और दो, मतलब पंद्रह फंदे आपने उल्टे बना दिए। दोबारा से यहाँ पे बबल बनाएंगे इस तरीके से, देखिएगा इसमें इस तरीके से क्रोशिया डाल देंगे, अपना धागा आगे ले लेंगे, वही सेम रिपीट करेंगे। एक ये एक इसको लपेटा, दो तीन दोबारा लपेटा, चार फिर ये पाँच छः और सात इसे गिरा दिया, फिर इसमें से निकाल दिया और एक बार ऐसे इसे सिलाई पे इस तरीके से डाला, फिर ये वाला फंदा लिया इधर पे जो हमने उल्टा बनाया है और ये इसके ऊपर से गिरा दिया, इसे उठाया और इसे खींच दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमारा फंदा एक कम हो गया। अब ये फंदे बाकी आपने सारे उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट कर देना है। तो देखिएगा इस तरीके से रो 1 to 12 हमने बनाई है, हमारे हो चुका है। ये देखिएगा इस तरीके से हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो अब हमारा स्टार्टिंग की रो से दोबारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। मैं एक बारी आपको यहाँ पे सेट करना दिखा दूँ किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे, एज स्टिच है ये हमारा, फिर नेक्स्ट एक आपने सीधा बनाना है, अगेन यहाँ पे जाली डालनी है। दोबारा से रो फर्स्ट को आपको सेट करना बता रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद एक सीधा दो उल्टे, ये हमारे तीन फंदे हो गए, फिर एक सीधा चार दो उल्टे छः एक सीधा, यहाँ पे इस तरीके से सात दो उल्टे, ये हमारे नौ हो गए, फिर एक सीधा दस दो उल्टे बारह, एक सीधा तेरह दो उल्टे, ये हमारे पंद्रह, और एक सीधा ये हमारे सोलह। फिर यहाँ पे इस तार में फंदे पे इस तरीके से धागा आगे लाके जाली डाल देंगे, एक सीधा, यहाँ से पैटर्न दोबारा स्टार्ट करेंगे जाली डाल के, एक सीधा एक दो उल्टे ये हमारे तीन, फिर एक सीधा चार दो उल्टे ये हमारे छः, एक सीधा ये हमारा सात दो उल्टे नौ, एक सीधा दस दो उल्टे बारह, एक सीधा तेरह दो उल्टे यहाँ पे पंद्रह, और एक सीधा सोलह। इसके बाद यहाँ पे जाली डाल देंगे और ये हमारा सतारवां फंदा और एज स्टिच वाला ये। तो देखा आपने इस तरीके से मैंने आपको दोबारा से डिज़ाइन सेट करना बता दिया। तो सेम आपने यही रो 1 to 12 को रिपीट करते हुए जाना है। तो सामने देखिएगा इस तरीके का कार्डिगन जो हमने बना के तैयार किया है, आप इसे श्रग भी कह सकते हैं, यही पैटर्न डाल के हमने तैयार किया हुआ है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने कितने फंदे डालने हैं, फ्री साइज़ का है श्रग ये, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी सुंदर बन के तैयार होता है और काफ़ी जो है सिंपल डिज़ाइन है, इतना डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।